एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है सीयूईटी का 2022 का जो एग्जाम है होने वाला है, डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो पीजी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि ये चैनल है एमएससी फिजिक्स के एंट्रेंसेस की। हम लोग यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि एमएससी फिजिक्स का जो बच्चे सीयूईटी का एंट्रेंस देंगे तो उनके लिए हम लोग स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे। तो सीयूईटी बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम है, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, कौन से बच्चे जो है ये वीडियो किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से किस तरह के बच्चे सीयूईटी में अपीयर होते हैं और मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। मैं अपने बच्चों से जिनको मैं पढ़ाता हूँ, आईटीएम की प्रिपरेशन कराता हूँ, उनसे मैंने क्या बताया, किस तरह से चीजें हम लोग कर रहे हैं, पूरा आज काफी डिटेल में सब चीजों को डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा जो है, मतलब आप जब वीडियो को एंड तक देखोगे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, बहुत सारी काम की बातें आप लोग सीखोगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी रफली अगर हम लोग कहें तो 4 वीक अपने पास रह गए, जब ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल रही होगी, अपलोड हो रही होगी, तो 28 दिन के हिसाब से मैं मान सकता हूं कि अपने 4 वीक हो जाएंगे, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, याद आ रहा है जहां तक। तो 10th of September को एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस है। सितंबर के स्टार्टिंग में 5-6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 15 सितंबर तक ऐसे जाना है। तो जिसमें फिजिक्स का जो है एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस वो 10 सितंबर को होना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग की जो प्रिपरेशन, जो बात और जो डिस्कशन स्टार्ट होगी, ये वीडियो किनके लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीयूईटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन, और उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है कि जो सुबह जाके सीयूईटी का फॉर्म भर दिया था, अभी जाग रहे हैं और आ गए कि सर प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा 4 हफ्तों में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। यहां पर उनके लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब क्या करना है, मैं उनके लिए डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिनेरियो को डिस्कस करूंगा कि सीयूईटी कौन से बच्चे देते हैं। मोस्टली अगर मैं बात करूं, इन जनरल वे की बात करूं, 100% ट्रू नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल, द मेजोरिटी। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट वो होते हैं जो आईआईटी जैम में अपीयर होते हैं, और आईआईटी जैम में कुछ रीजन हो सकता है कि उनकी नॉट अ गुड रैंक, उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है, ठीक है, उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है, उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है, उनको एनआईटी नहीं मिल पाती है, मिल जाती है तो अच्छी नहीं मिल पाती है, या नहीं मिलती है, या वो एनआईटी में लेना नहीं चाहते, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसमें बहुत सारी जैसे बीएचयू है, जेएनयू है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर अभी जो इस साल इस एग्जाम में आ रही है, वो ना जाने कितनी आईआईटी से बेटर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। कुछ आईआईटीज हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से अच्छी हो, लेकिन कुछ बहुत ही प्रीमियम टाइप के इंस्टीट्यूट जो हमारी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आते हैं, देश के 10 संस्थानों में टॉप 10, उसमें बीएचयू है, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट इसमें इस बार मिलने वाले हैं। तो ये काफी एग्जाम जो है वर्थेड है, मतलब वर्दी एग्जाम है इसके लिए, और कंपटीशन भी काफी तगड़ा है, क्योंकि जेएनयू बीएचयू के जैसी यूनिवर्सिटीज की इसमें एंट्री होने से बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन हो गया। सीयूईटी का जो पुराना पैटर्न था वो तो अपना रहेगा, उसकी जो अपनी 13-14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी वो होंगी, उसके साथ साथ काफी 20-25 एंट्री और हो गई है। तो 35-40 प्रोग्राम्स में एमएससी यूनिवर्सिटीज में एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंसेस हो रहा है, सीट्स भी काफी ज्यादा है, कंपटीशन भी काफी तगड़ा है। तो इसमें क्या हमको करना है, वो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी बात चलिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आईआईटी जैम में अच्छा नहीं करा, अब वो लोग अच्छा करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने आईटी जैम दिया ही ना हो, या आईटी जैम के बारे में जानते ही ना हो, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये कैटेगरी मोस्टली जो है, मैं क्योंकि मेरी वीडियो इन्हीं बच्चों के पास ज्यादा पहुंचती है, तो मैं इन बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं कि जिन्होंने आईटी जैम का एग्जाम दिया है, रैंक उतनी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है रिजल्ट से, या कुछ मिल नहीं पा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है। खैर, तो होता क्या है, आईटी जैम में अच्छी रैंक ना पाने का जो कारण है कि जो आप सोच रहे थे आईटी मिलने का, वो आपको आईटी नहीं मिली, सीधा सा फंडा है। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो सीयूईटी में बैठ रहा हो, आईटी मिल गई, लेकिन अब सीयूईटी का एंट्रेंस देकर वहां पर एडमिशन चाहता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है। मोस्टली जितने लोगों ने को आईटी मिली है, वो 101% आईटी फर्स्ट चॉइस में ले लेंगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं
क्योंकि अभी डेट्स निकल गए आईआईटी की, आईआईटी छोड़कर कोई ये सोचे कि हम जेएनयू बीएचयू में ले लेंगे, हमको लोअर आईआईटी मिल रही है, आईआईटी पटना मिल रही है, हम लोग आईआईटी पटना पलक्कड़ छोड़ देंगे और हम जाके जो है, क्योंकि आईआईटी काउंसलिंग की डेट निकल चुकी है तो 100% लोगों ने फीस दे दिया होगा और एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। तो वही बच्चे हैं जिन्होंने आईआईटीएम में अच्छा नहीं स्कोर कर पाए। तो प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है, जब आईआईटीएम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो अपने रिजल्ट को मार्च में देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है यार कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, कुछ चीजों को उस हिसाब से नहीं कर पाए, प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं मिली, गाइडेंस उस हिसाब से नहीं मिली, पढ़ाने वाले टीचर उस हिसाब से नहीं मिले, किसी ने सही से बताया नहीं, इस चैनल में हो सकता है लेट आए होंगे तो इस वजह से उनको इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, या उनके पर्सनल उन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करी, फॉर्मूला नहीं याद करे, कैलकुलेशन मिस्टेक करी, बहुत एक लंबी सी लिस्ट बन जाएगी, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, तो ये उनको अपना रियलाइज है। तो वो क्या करते हैं, उन चीजों को अपनी फिजिक्स की नॉलेज को लेवल को अप करने लगते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमें किस एग्जाम को देना है उसके माइंडसेट को समझना पड़ेगा। सीईटी का 2021 वाला एंट्रेंस एनटीए ने लिया था, इस बार भी एनटीए एंट्रेंस ले रहा है, तो बिल्कुल डिटो सीईटी का जो पैटर्न था, जो लेवल था, जो टेस्ट था, उसी लेवल के उसी टेस्ट की प्रॉब्लम्स इस बार भी आएंगी, ये मेरी आपसे गारंटी है, आप देख लीजिएगा उसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब जो पैटर्न और टेस्ट को जब आप स्टडी करोगे समझोगे तो लेवल अपने आप को हमको अप नहीं करना है, हमको लेवल ऊपर नहीं करना है, लेवल को डाउन करना है। आईआईटी जैम का एक अच्छा लेवल है, एक डिसेंट लेवल है कि 35 से 40 का बैरियर क्रॉस कर पाना आईआईटी जैम के एग्जाम में एक आपकी डिसेंसी को प्रूव करता है, आपकी नॉलेज को प्रूव करता है, आपके आईक्यू लेवल को प्रूव करता है कि हाँ आप कुछ फिजिक्स जानते हो, ठीक है। वहीं सीयूईटी का जब हम लोग सीयूसीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं तो ये बहुत ही एकदम मतलब अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो एकदम थर्ड ग्रेड पेपर होते हैं, थर्ड ग्रेड पेपर इन द सेंस कि फॉर्मूला आ जाएगा, वो आपकी फॉर्मूला की टेस्टिंग चेक कर रहा है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, वो चेक कर रहा है। अब फॉर्मूला अगर मैंने लिखा हुआ है, सपोज करिए एफ बराबर एम ए, तो वो क्या दे देगा, ए दे देगा, एफ दे देगा, पूछेगा मार्क बताओ, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछेगा। तो ये सब इस तरह के टाइप, मतलब ये नहीं इसका नहीं, जो हमारे सिलेबस में जो फॉर्मूलाज हैं उनसे डायरेक्ट जो है चीजें पूछेगा, इस तरह से चीजें पूछेगा, 2d साइन थीटा बराबर एल लैम्डा, सब चीजें दे देगा, पूछेगा थीटा कितना है, इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका यही पैटर्न है। तो हम लोग क्या करते हैं, आईआईटी जैम से लेवल अप करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, यही सबसे बड़ा दिक्कत कर जाता है। हमें अपने लेवल को अप नहीं करना है, हमें सीईटी के पैटर्न और मिजाज के हिसाब से काम करना है, जो उसका नेचर है, जो उसका स्टाइल है, जो उसका टेस्ट है, जो उसका लेवल है, उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या है कि हमको फॉर्मूला बेस्ड पेपर की तैयारी देने जाना है एग्जाम में, उसके ऊपर हमको अपना फोकस रखना है पहली बात। तो यहां तक ये हो गया कि कौन बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उन्होंने अब तक क्या किया होगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उन्होंने क्या क्या किया होगा और आगे अब क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो अब इसलिए बनाई जा रही है कि आपको आगे क्या करना है। तो अब ये डिस्कस करेंगे उन्होंने क्या क्या किया जा चुका होगा, मतलब क्या क्या कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने चीजों को ऑलरेडी यूट्यूब के माध्यम से डिस्कस कर चुका हूं कि क्या क्या किस तरह से करना है, तो अभी उसी को फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये काम किए होंगे, ठीक है। तो एक काम जो है आप लोगों ने ये किया होगा कि आप लोगों ने सीयूईटी के पीवाईक्यूज लगाए होंगे, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों ने सीयूसीईटी के पीवाईक्यूज लगाए होंगे, किसके, सीयूसीईटी के, और सीयूसीईटी का 2021 तक के पीवाईक्यूज लगाए होंगे, ठीक है। दूसरा काम आप लोगों ने यह किया होगा, फॉर्मूला बुक बनाया होगा, उसको रट्टा मार रहे होंगे, ये काम दो आप लोगों ने किया होगा, सभी बच्चों को रिकमेंडेड था, ये काम सभी बच्चे कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं 7-8 साल के सीयूईटी के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर चुके होंगे और आप फॉर्मूला याद कर रहे होंगे। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी कुछ बात बताऊंगा। देखो, अगर सपोज करो पीवाईक्यू जैसे सीयूईटी का बच्चे पूछते हैं, सर सॉल्यूशन कहां मिलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन कहां मिलेगा, आंसर की कहां मिलेगी, तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, आंसर की कोई ऑफिशियल कह रहा हूं, कोई बुक तो ऐसी आती नहीं है कि जिसमें सीयूईटी का सॉल्यूशन या आंसर की दी हो, तो ऐसी तो कोई बुक, किसी तरह की बुक नहीं आती है। तो मैं क्या करवाता हूं, मैंने इस तरीके से कई सालों से करवा रहा हूं बच्चों से, और बच्चे ये चीज करते हैं और वो काफी अच्छा करते हैं। देखो, जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाने की चीजें होती है, वो आईआईटीएम तक हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, उसके बाद भी सीयूईटी के लिए सिलेबस पढ़ा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, पीवाईक्यू बहुत सारे सॉल्व करा देंगे, लेकिन ये जो उसका सॉल्यूशन ना मिलना
और उसका आंसर की ना मिलना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर सॉल्यूशन होगा आंसर की होगा, बच्चे उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। होता क्या है, मैंने उनको क्या सिखाया, मैं जो बच्चे मुझसे आईडीएम की प्रिपरेशन करते हैं, सीयूटी की प्रिपरेशन करते हैं, मैं उनको क्या सिखाता हूं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आंसर की नहीं मिल रहा है, मेक योर ओन सॉल्यूशन बुक। मैंने उनसे क्या कहा, मेक योर ओन सॉल्यूशन बुक, सॉल्यूशन बुक, अपनी खुद की सॉल्यूशन बुक बनाओ। तो उनको क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, टारगेट दिया, उन्होंने उसको सॉल्व किया, उसके कुछ हो सकता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं लग रहे होंगे, वो डिस्कस करते हैं आपस में, मुझसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, और उनका इस तरीके से मैक्सिमम जो पॉसिबल क्वेश्चन वो एक पेपर में करते हैं, ढूंढते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, वो फॉर्मूला उठाते हैं, वो किताबों को पलटते हैं, वो नोट्स को पलटते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इससे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि उनकी प्रैक्टिस हो रही है, फॉर्मूला याद हो रहा है, कॉन्सेप्ट को पलट रहे हैं, किताबों को पलट रहे हैं, क्योंकि आईटी जैम के बाद जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, एकदम फॉल होता है। तो ये काम करवाने से जो बच्चे कर ले जाते हैं ईमानदारी से, वो सीयूटी में बढ़िया से ले आते हैं, फिर आईटी जैम में जो चीजें नहीं हो पाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बढ़िया से एडमिशन लेकर अच्छा फ्यूचर अपना बना सकते हैं। तो जो बच्चे ईमानदारी से चीजें करते हैं वो डेफिनेटली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं और इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो उन बच्चों ने मैंने बनवाया, तो बच्चों ने सोल्यूशन और आंसर की वगैरह सब पूरा उन्होंने पूरा बनाया, और एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बनाना क्या, किताब खोलो भाई, कौन सा फॉर्मूला है, चार ऑप्शन देखा, टिक मारा, इस तरीके के एक एक लाइन के सॉल्यूशन है, दो दो लाइन के सॉल्यूशन है, तो मैक्सिमम 70% तो क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है एमसीक्यूज की बुक्स की। तो देखो जेई और नीट, जैसे हमारा जो आईटी जैम है, जो सीयूटी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम, कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास कोई मेरी पर्सनल खुद की बुक नहीं है, अगर मैं उस बुक को लिख दूं और मतलब उसको टेक्स्ट मैटर में कर दूं तो डेफिनेटली वो बहुत चलेगी। मेरे पास प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, अनगिनत प्रॉब्लम है, हजारों प्रॉब्लम है मेरे पास, ठीक है। अब उसको मैं क्या करता हूं, जब मैं आईटीएम की प्रिपरेशन कराता हूं, तो जैसा कि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो मेरा मिजाज जानते हैं, मैं क्या कराता हूं, मैं खुद ही प्रैक्टिस कराता हूं उसकी, तो ना जाने कितने प्रॉब्लम्स की मैं खुद से ही प्रैक्टिस कराता हूं, मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराता हूं, एलपीपी देता हूं, लर्निंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराता हूं, ये सारी चीजें मैं खुद से ही कराता हूं। तो ना जाने कितने हजारों क्वेश्चन हम लोग खुद से ही मैं प्रैक्टिस कराता हूं। ऑन द अदर साइड जब हम लोग देखते हैं सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को देखते हैं, तो मार्केट में कोई इस तरह की बुक नहीं है, जो आपको इस तरह की कोई बुक नहीं है। मैंने भी ढूंढने की कोशिश की कि मिल जाए तो बच्चों को रिकमेंड किया जाता कि जो फिजिक्स के एमसीक्यूज, फिजिक्स के एमसीक्यूज की तो बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, बीएससी फिजिक्स एमसीक्यूज, यानी जिसमें बीएससी की फिजिक्स के एमसीक्यूज हो, ऐसी भी मार्केट में नहीं मिलती है, जिसमें आईटीएम के पीवाईक्यूज हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यूज हो, बीएचयू के हो, एससीयू के हो, सीयूईटी के हो, पीवाईक्यूज और इस तरीके से कोई बुक हो, तो मार्केट में इस तरह की कोई बुक नहीं होती है। पीडीएफ है, किसी कोचिंग ने कुछ सोल्यूशन दिया, किसी कोचिंग ने किसी का पेपर दे दिया, किसी ने किसी का आंसर दे दी, कहीं कुछ उठा गो जोड़ घटा के बच्चे इसको रिसोर्सेज हैं, उन्हीं सही चीजों को करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट यूज मैंने क्या करा, मैंने अभी 2 महीने पहले एक सिस्टम पूरा लॉन्च किया, उसमें बच्चों के लिए मैंने सीयूटी 2022 गाइडेंस कोर्स एक लॉन्च किया, उसमें बच्चों को मैंने जोड़ा, ठीक है। उसमें टेलीग्राम में अपने 85 बच्चे जो है मैं उसमें ऐड है, तो मैंने उनको गाइड किया, किस तरह से गाइड किया आप उसका प्रोसीजर समझिए, तो आपको पूरी चीजें प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा। उनको मैंने गाइड कैसे किया, ठीक है, उनको गाइड ऐसे किया, मैंने सबसे पहला काम उनसे कहा कि फॉर्मूला कॉपी बनाओ, तो उन सभी बच्चों ने सबसे पहला काम क्या करा, फॉर्मूला की कॉपी बनाई। तो ये बात मैं बता रहा हूं 2 महीने पुरानी, तो पहला काम दिया कि भाई फॉर्मूला जिन्होंने जैम में लिखा था उसको रिवाइज कर लिया उन्होंने और थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया, ठीक है। आईटी जैम में जो बनाई थी उससे भी काम चल गया। इसके बाद जो है दूसरा सीयूसीईटी के पीवाईक्यू सॉल्व कराए कि भाई जो एग्जाम को देना है उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, दूसरा काम। तीसरी चीज मैंने क्या कहा कि बीएचयू में बीएचयू का पेपर दिया कि इसको सॉल्व करो, तो बीएचयू में बड़ा सोच समझ के मतलब 120 क्वेश्चन में मैंने उनको तकरीबन 50 क्वेश्चन दिए छाट के कि ये सीयूईटी लेवल के हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे नहीं है सीयूईटी लेवल के, उनको करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब बीएचयू का कोई एंट्रेंस नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यही काम किया एससीयू के साथ, यही काम किया जामिया वाले पेपर के साथ, यही काम किया हम लोगों ने एमयू के पेपर के साथ। तो वी हैव ए कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो गई जिनको मैंने बच्चों ने किस तरह से प्रिपेयर कराया, मैंने उनको ग्रुप वाइज बनाया
और बच्चे आपस में ही डिस्कस कर लेते थे। जैसे एक पेपर दिया कि भाई हम लोग BHU 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें मैंने टिक कर दिया ये 1, 2, 8, 9, 12, 13, 47 ये करके ऐसे लिस्ट पूरी बना दी, उसको टिक करके मैंने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ उनको भेजी। अब वो आपस में उन्होंने सेट करा, पांच पांच क्वेश्चन बच्चे जो है कर रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया, ये सब प्रॉब्लम सोल्व किए, हजारों प्रॉब्लम आज उनकी सोल्व है, काफी धुआंधार तरीके से उनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने इस तरीके से काम किया, इससे बच्चों का फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा था, PYQs भी लग रहे थे, सॉल्यूशन वो कहीं भी नहीं मांग रहे थे कि मुझको सॉल्यूशन दे दो, मुझको आंसर की दे दो, इस तरीके से वो सॉल्यूशन और आंसर की बना रहे थे। अगर आप CUET जैसे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन या आंसर की नहीं बना पा रहे हो तो डेफिनेटली आपका ये मान के चलो आप CUET क्वालिफाई करने वाली रेस में हो ही नहीं, अच्छी रैंक लाने वाली रेस में हो ही नहीं। तो पहले तो उस तरीके का बनना है कि भाई आप लेकर आओ, किस सिंपल है, CUET के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला बुक है, आप देखो पलटते जाओ क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन दो 100% गारंटी फॉर्मूला बुक से हो जाएंगे, गारंटी 100% गारंटी है फॉर्मूला बुक से आप कर ले जाओगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम BHU के कम से कम 500 क्वेश्चन, SU जामिया AMU के लगभग 500 क्वेश्चन, CUET के लगभग 500 क्वेश्चन, तो 1500 क्वेश्चन जो है लगभग हम लोगों ने इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और देखा इन 1500 प्रॉब्लम में बहुत सारी रिपीट होती थी, CUET में बहुत सारी रिपीट हुई है, BHU में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं, जामिया AMU में रिपीट होती हैं, एक दूसरे की इधर उधर पूछते हैं यहां से घुमा फिरा के, तो वही देख रहे हैं वो जो सारा खेल 700-800 MCQs पर ही चल रहा है। उन 700-800 MCQ जो टोटल हमारे पास यूनिक क्वेश्चन बने उनको जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो ये देखा ये सारे न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स CUET लेवल के, मैं बात में फिर से कह रहा हूं कि हम लोगों ने BHU का पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया, हम लोगों ने SU का पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो CUET लेवल के हैं ही नहीं, उनको सॉल्व करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम जो CUET के लेवल के अभी एक टीचर अच्छे से कर पाता है, और जो मैं बच्चों को इस लेवल का बना देता हूं ये खुद ही से देख के डिसाइड करने लग जाते हैं कि कौन सा लेवल का है कौन सा लेवल का नहीं है। तो आपको वही पढ़ना है। यहां पर देखो CUET फिजिक्स की पूरी फिजिक्स का एग्जाम नहीं है, CUET फिजिक्स का एग्जाम है, छोटे से पार्ट का एग्जाम है, उसका एक लेवल है, उसी लेवल के यानी कि आपको जिस कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है यार उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि वो कंपटीशन में वो एग्जाम में उसकी नीड क्या है, आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो ये पूरा सीन था, मैंने ये सारी चीजें की, ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है जो मैंने अप्लाई करी अपने बच्चों के साथ, जिनको मैंने गाइडेंस दी उन्होंने ये करा, ठीक है, तो काफी अच्छा वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो इस उसमें तो आप क्या कर सकते हो, मैं टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक नीचे दे दूंगा, जैसे मैंने ग्रुप बनाया था तो वो लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो अपने मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो, उन सब बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो उनके साथ, वो अभी सबके लिए ओपन है, यानी वो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे उन्हीं के लिए था, अभी वो सबके लिए ओपन कर दूंगा मैं, तो सभी लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन करिए, अभी भी आपके पास 4 हफ्ते, यकीन जानिए कुछ भी इधर से उधर हो सकता है, 1000 रैंक से आप 100 रैंक बना सकते हो, ये मेरा आपसे वादा है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला पर फोकस करना है, CUET के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, PYQs को सॉल्व करिए, और जो बच्चों ने ये काम कर लिया है, ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी से करा या मेरे कहने पे करा या जैसे भी उन्होंने करा, जो बच्चे ये काम कर चुके हैं उनसे मेरी अब एक रिक्वेस्ट है कि वो अब क्या करें, वो अब इन चीजों को रिवाइज करें, क्या करें, रिवाइज करें। द प्रॉब्लम इज ये नहीं है कि आप कितनी फिजिक्स सीख के जा रहे हो, आप कितने फॉर्मूला लर्न करके जा रहे हो, दिस इज द टाइम कि आप कितना एग्जाम तक ले जा पा रहे हो। आपने इतनी बहुत सारी फिजिक्स पढ़ ली, इतने बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा लिए, हजारों MCQ लगा लिए, एग्जाम तक आप कितने कॉन्सेप्ट को ले जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो क्या है, वो अभी भी नए नए क्वेश्चन नई नई चीजें सीखने के चक्कर में लगे हुए हैं। टाइम ओवर हो चुका है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द परफेक्ट स्ट्रेटेजी कि आप रिवाइज करो उनके लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, नए क्वेश्चन पर ध्यान ना दें, जो कर चुके हो उनको एग्जाम में 100% करके आना है। क्योंकि ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, आप पैटर्न को समझो, अभी मैं सेक्शन ए के बारे में भी डिस्कस करूंगा, आप पैटर्न को समझो, हमारा क्या पैटर्न है, जो अपना पैटर्न है वो है 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन,
ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के 75 क्वेश्चन, ये अपना सीन है। तो इस सीन में एक चीज आप बड़े ध्यान से समझिए कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, 25 जनरल अवेयरनेस है, इसके बारे में अभी मैं बताता हूं कि ये क्या चीज है। अभी यहां पर हम लोग आ जाते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है। अब इन 75 क्वेश्चन में मैं एक बात कहता हूं कि आप इसमें 10-12 करोगे, मैं कह रहा हूं 100 क्वेश्चन में आप करके आ रहे हो मान लो 70 क्वेश्चन, ठीक है। अब 70 क्वेश्चन करके आ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, 70 क्वेश्चन में एक एवरेज बच्चा मान के चल रहा हूं 65-70 करके आ रहा है सपोज करो, तो 5-10 मिनट भरने अंदर में लगा दिया आपने, तो मैं ये मान के चल रहा हूं 105 मिनट मैंने ले लिया, 15 मिनट आपने कुछ वेस्ट कर दिया, 105 मिनट आपके हैं। 17 क्वेश्चन को 105 मिनट में करोगे, तो मैंने 105 इसलिए लिया है ताकि 1.5 मिनट पर क्वेश्चन आ जाए, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको 90 सेकंड में सॉल्व करना है। CUET इज नॉट अबाउट द फिजिक्स सॉल्विंग, CUET इज ऑल अबाउट द फिजिक्स लर्निंग अंडरस्टैंड इट। CUET का मतलब फिजिक्स को कितना अच्छे से सॉल्व कर पाते हो इससे मतलब नहीं है। अगर आप तीन इस 100 सेकंड से ज्यादा आप टाइम ले रहे हो किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन ने आपके 5 मिनट ले लिए, यू आर फिनिश। अगर आप उन क्वेश्चन में फंस गए, यू आर स्टक इन सम सॉल्यूशन, यू आर फिनिश, योर रिजल्ट इज फिनिश, खत्म बर्बाद। तो इस बात को समझो, अभी भी 4 हफ्ते हैं हमारे पास, इसको तुम ईमानदारी से करो, मेरी बात को मानो, रिजल्ट तुम्हारा चमकेगा और तुम प्राउडली बता सकोगे कि हाँ मेरा ये रिजल्ट है, CUET में रहेगा और मैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले रहा हूं, ठीक है। तो बात को मानो, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो यहां तक सुन रहा है तो एटलीस्ट वो मानेगा मेरी बात को, तो उन्हीं के हिसाब से मैं अब चीजों को बता रहा हूं। जिनको ऐसे व्यूज वाले होते हैं वो जनता छट चुकी है, जो व्यूज देखने आ जाते हैं ऐसे ही क्लिक करके एक दो मिनट वाले, अब जनता वही है जो सच में CUET को अच्छे से देना चाहते हैं और उनको राइट गाइडेंस चाहिए। आज के दौर में पढ़ाने वाले बहुत हैं, ठीक है, बहुत मटेरियल बहुत है, सब कुछ है, अवेलेबल है ऑनलाइन सिस्टम में, बट गाइड करने वाले लोग कम है, सही गाइड करने, यूट्यूब में तो ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है, सही गाइडेंस की वो लोग बहुत कम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो, मैं आपको बिलीव करा पा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर भरोसा कर रहे हो कि मैं कहने का क्या मतलब है कि CUET एक हमारा फिजिक्स के सॉल्विंग को नहीं चेक कर रहा है, CUET चेक कर रहा है आपको याद कितना है चीजें, बात समझ पा रहे हो। आपसे वो किसी चीज का डायमेंशन पूछ रहा है, तो अगर वो 4 ऑप्शन में वो डायमेंशन आपको याद है, आप टक से लगा पा रहे हो या नहीं, तो अगर आपने टक से लगाने वाले प्रॉब्लम्स 10-15-20 भी सॉल्व कर दिए तो यही आपकी जीत है, आप बहुत जो है बचा लोगे। अब CUET की कुछ सुपर ट्रिक्स भी बताऊंगा और उसके आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इट इज ऑल अबाउट द टाइम, CUET इज नॉट एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स, अंडरस्टैंड इट, इट इज अ फिजिक्स लर्निंग एग्जामिनेशन, हाउ मच यू लर्न द फॉर्मूलाज, तुम्हें कितने अच्छे से फॉर्मूला याद है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को तुम ऐसे चुटकियों में 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हो, इसकी चेकिंग हो रही है। 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूं, 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, आप देख लीजिएगा कहां चलेगा 2 घंटे, आप कहोगे कहां क्या हो गया, 100 क्वेश्चन है वो टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो 100 क्वेश्चन है लेवल आपका घिसा पिटा जैसा आता था CUET का, बिल्कुल वैसा ही आएगा घिसा पिटा लेवल, इस बार भी वही आने वाला है। CUET 2021 का पेपर उठा के देख लो, एकदम घिसा पिटा लेवल है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर अपना क्या है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि टाइम मैनेजमेंट, तो तुम इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट जो तुमको सिखा सके, जिससे आप मॉक टेस्ट देके टाइम मैनेजमेंट को सीख सको कि आपका टाइमर चल रहा हो, आपको इतने 75 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करने हैं, इस हिसाब से आप अपना चीजों को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी बातें हो गई, टाइम की बात हो गई, अब हम लोग ए सेक्शन ए पर भी आते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट बात हमारी रह गई है, मॉक टेस्ट हो गया और कोई इंपॉर्टेंट बात अभी, चलो ठीक है, अभी ये मुझे ये याद आ रहा है, मैं इस पर डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो CUET में आपको क्या करना है, आपको चीजें याद करनी है, याद करके जाना है, आपको फिजिक्स कितनी सॉल्व कर पाते हो इससे मैटर नहीं है, आपको यहां पर क्या करना है,
आपको यहां पर यह बताना है कि आप कितने अच्छे से फॉर्मूला को याद करके आए हो, यही चीज की चेकिंग हो रही है। फॉर्मूला को याद करो, बात मेरी अभी भी मान लो, बहुत वक्त है सीयूटी में, याद करोगे तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एमएम सर ने कुछ कहा था। अब ये जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, अब मैं आईक्यू का सुना है, आपने इस तरह की न्यूज पढ़ी है कि भारत की एक लड़की का आईक्यू, इंडियन कोई गर्ल है उसका जो आईक्यू है, इसका आईक्यू जो एवरेज आईक्यू है वो आइंस्टीन और न्यूटन के आईक्यू से भी ज्यादा है, इस तरीके की न्यूज आपने सुनी है, इस तरीके की न्यूज आपने सुनी है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट। आपके दिमाग की जो इंटेलिजेंस है ये हर इंसान की अलग अलग होती है, गॉड ने हर उसका अलग अलग बनाया है, ये एक दिन में नहीं बनती, ये दो दिन में नहीं बनती, गॉड की तरफ से भी होता है और उसको शार्पन भी किया जाता है। ठीक है, इसको शार्पन भी किया जाता है, बात समझ गए आप लोग। ठीक है, तो सीयूईटी में ये जो 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें मैथ्स के होते हैं, लॉजिकल एप्टीट्यूड के होते हैं, 10 इंग्लिश के होते हैं। ठीक, अब वो डिपेंड करता है कि इंग्लिश तुम्हारी कैसी है, और अब तुम ये सोचो इंग्लिश तो इतनी बड़ी है, तुम दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी बड़ी इंग्लिश पढ़ोगे, इतनी बहुत सारी वोकैबुलरी, ना जाने कितने वो जो एसएससी सीजीएल के बच्चे याद करते हैं, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और या आपकी उसने वो उस तरह के एग्जाम की कभी प्रिपरेशन की तो आप रिवाइज कर लो, नहीं की तो कोई टेंशन नहीं है, हम फिजिक्स में धूम मचाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो इन क्वेश्चन की तो टेंशन ही नहीं लेनी है, हम 75 के 75 यही बजा के आएंगे, हमको उसके टाइम ही नहीं हमको चाहिए नहीं, हमको 100 अपने इतना कम टाइम है, हम इसी में ही अपनी जान लगा देंगे। अच्छा, इसमें जान लगाना जरूरी क्यों है ये भी बताऊंगा, और इसमें भी नजर ऐसा नहीं कि हम सर ने कहा था फिजिक्स में जान लगा दो तो हम इसमें देख ही नहीं रहे, अरे इसमें 10 क्वेश्चन तो होंगे ना सिंपल से, अब इसमें 5 क्वेश्चन 10 इंग्लिश के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, कौन सी नदी कहां बह रही है, कौन सा किसका क्या है, बेसिक टाइप की जीके आती है भाई। मैं तो एक क्वेश्चन ना कर पाऊं, मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन ना कर पाऊं, मुझसे तो एक भी नहीं लेगा, जीके वाला नहीं लेगा, इंग्लिश वाले 5-6 कर सकता हूं, जनरल एप्टीट्यूड वाले 10 में 10 बजा के आऊंगा गारंटी, 10 में 10, मतलब चलो एक 9 मान लेते हैं, बुरा ना मान जाओ तुम लोग कि सर कैसे इतना बड़ा चैलेंज करें, 9 मेरा आईक्यू मतलब जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, डाटा इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन कभी पढ़ा नहीं है, वो खुद ही से इतना सब डेवलप है कि मैं कर लेता हूं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये पर्सनल है सबका, बच्चे पूछते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, पता नहीं कौन कौन से टीचर, पता नहीं कौन कौन से यूट्यूब में वीडियो लोग, पता नहीं क्या बता रहे, किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये वीडियो लेक्चर देख रहा हूं, भैया बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ डालोगे, फिजिक्स पढ़ोगे कि लॉजिकल एप्टीट्यूड पढ़ोगे, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं लॉजिकल एप्टीट्यूड की, पढ़ पढ़ के थक जाओगे। अभी मेरे पास एक बुक है, मैं अभी दिखा नहीं सकता, बात घूम जाएगी, वरना अभी दिखा देता मैं, इतनी मोटी मोटी की लॉजिकल एप्टीट्यूड की किताबें हैं। अब उसको सीखने के लिए 10 क्वेश्चन करने के लिए इतना थोड़ी नहीं है, उससे अच्छा मित्र में जाने लगा देंगे। हाँ, बेसिक से होते हैं, परसेंटेज से रिलेशन, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, सीक्वेंस से रिलेटेड, कॉमन लॉजिक से कुछ क्वेश्चन हो जाए, 4-5 हो जाए बहुत है। देखो टाइम, ये लॉजिक वाले टाइम ले जाएंगे, तो 4-5 जो इजी तरीके से हो जाए उसमें टाइम लगा देना, बस अपना टाइम बचा के चलना है। इंग्लिश वालों में तो आपका सिर्फ 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, आता है तो कर लोगे, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो मारो टिक करो। मेरे हिसाब से लॉजिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन जितने तुम्हारे अंदर वो होगी, एक 15 मिनट में मैक्सिमम करे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब कोई इस 15 मिनट में 5 ला पाएगा, कोई 10 ला पाएगा, कोई 15 ला पाएगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं एक बीएससी का बच्चा 15-15 से ज्यादा नहीं ला पाएगा, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, कोई 25 लिया, 25 में 25, कोई 5 भी ना ला पाए, एक्सेप्शन हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 10-12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब ये इंडिविजुअल लेवल की आईक्यू की बात हो गई, तो परेशान मत हो इस पार्ट ए के लिए, इस पार्ट ए के लिए वैसे भी परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी भी अभी मैं कुछ वजहें बताऊंगा, इसके लिए तो वैसे भी परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे इसके लिए परेशान होगा नहीं, इसके लिए परेशान हो ये मान नहीं रहे, वहां चक्कर में पड़े हुए हो, सिंपल से मैथ यार, 25 क्वेश्चन के पीछे भागो, 75 का क्या, 75 की क्या तैयारी है, सिंपल सा लॉजिक है, समझ गए बात अपना। तो आईक्यू सबका इंडिविजुअल होता है, तो आप उसको पढ़ा नहीं सकते दो दिन में कि हम सीख के कर लेंगे, और सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए आप आईक्यू की कोचिंग ज्वाइन करोगे, आईक्यू तेज करवाओगे, लॉजिकल एप्टीट्यूड सीखोगे, नहीं हो सकता, इंग्लिश की कोचिंग थोड़ी लगानी है, नहीं हो सकता, जो चीज नहीं हो सकती उसे नहीं करिए। हाँ, आप पीवाईक्यूज लगा लीजिए, 2-4-10 पेपर के देख लीजिए, आइडिया लग जाए, और समझ लीजिए कि 7-8-10 एवरेज चाह रहा है। अब 10 में तुम बहुत मेहनत कर लोगे, 10 कर पा रहे हो 25 में, ऑन एवरेज एक पीवाईक्यू के पेपर तुमने 5 लगाए, 6 लगाए, 8 लगाए, जितने भी लगाए तुम्हारे पास, जितने भाई सीयूईटी के पेपर मौजूद तुमने लगाए, अब तुम कर पा रहे हो 8-10-12, मान लो सपोज करो 25 में तुम 10 कर पाते हो, अगर तुमने बहुत मेहनत कर ली उसको पढ़ लिया, कितनी 12 करने में, 15-13-14 करने लायक बनने में, फिर 3-4 क्वेश्चन फायदा होगा,
13-14 करने लायक बनने में ना जाने कितनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे, और वही एनर्जी तुम यहां पर लगा दो, तुम अगर यहां पर 75 में 35 करने वाले हो, यकीन जानो उतनी मेहनत जो तुम उसमें से 3-4 बढ़ाएंगे, यहां पर तुम अपने 15 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, 50 क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो मैं कह रहा हूं समझो इस बात को, यहां पर ध्यान दो। अब इसमें यहां पर ध्यान देने का दूसरा रीजन भी है, मैं उसको बताता हूं, ठीक है। अब जो है सीयूटी की जब वेबसाइट में आप जाओगे तो देखोगे यूनिवर्सिटीज की अलग अलग डिमांडिंग है। यूनिवर्सिटीज की अलग अलग डिमांड क्या है? यूनिवर्सिटीज की डिमांड ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज कह रही हैं A+B के स्कोर मानेंगे, A+B का स्कोर चेक होगा, तो A+B के स्कोर के हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है, A+B के हिसाब से मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से वो बच्चों को देखेंगे, टोटल स्कोर पर आपकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब। कुछ यूनिवर्सिटी कह रही भैया इंग्लिश आती हो ना आती बच्चे को, मैथ आती हो, लॉजिकल एप्टीट्यूड सही हो ना हो, जीके हो ना हो, उसको मालूम है हो कि ना हो, नदी कहां है पहाड़ कहां है, उसको फिजिक्स आती हो, उसको केमिस्ट्री आती हो, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है सोशल लाइन का हो रहा है, हिस्ट्री का हो रहा है तो उसके हिस्ट्री आती हो, हमें उससे मतलब है, हमें एमएससी करानी, उस बच्चे को सब्जेक्ट में मास्टर बनाना है, उसकी वो बैचलर की नॉलेज है कि नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज कहिएगा उनका भी बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से यही होना ही चाहिए। ये तो पता नहीं फर्जी का ए सेक्शन तो मुझे समझ ही नहीं आता है क्यों है। खैर ये हो सकता है इंटर स्टेट के लिए, कहीं पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, कहीं पर हिंदी में बोला जाता है, तो कहीं पर बंगाली में बोला जाता है, अलग अलग तरीके के स्टेट है, हो सकता है उसके पीछे का कोई रीजन हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो कॉम्पिटिशन में। खैर फिर भी मैंने लगता कि इस एग्जाम में इस चीज की जरूरत है। तो कुछ यूनिवर्सिटी खाली बी सेक्शन को के स्कोर के हिसाब से मेरिट बनाएंगी, तो भाई साहब देखो अगर बी में अच्छा करोगे तो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। यहां पर तो जो यूनिवर्सिटी बी का खाली चेक करेंगी उनमें तो अच्छा कर ही पा रहे हो तुम, और जो A+B को भी करेंगी तो बी में अच्छा करोगे तो ओवरऑल तो तुम्हारा मेरिट में अच्छा कर रहे हो ना, तो दिस इज द वैलिड रीजन टू फोकस ऑन द सेक्शन बी, टू फोकस ऑन द डोमेन सब्जेक्ट दैट इज द फिजिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आप देख रहे हो इसलिए वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बी सेक्शन पे फोकस करो। उस 25 क्वेश्चन की जो मैंने बात बताई कि भाई बहुत मेहनत कर लोगे, 10 कर पाते हो मान लो, 2-3 बढ़ जाएंगे अगर बहुत महीनों तुम मेहनत कर डालो, तो उन 2-3 के चक्कर में मत पड़ो। जो फिजिक्स के तुम 50-60 क्वेश्चन करके आने वाले हो 75 में, 50-45-45-50-52-60 तक जो कर पाओगे यही रेंज रहेगी 40-60 अच्छे बच्चों की, ठीक है। तो जो कर पाने वाली रेंज में हो तो उसको मजबूत कर लो, वो हाथ से ना निकलने पाए। ये 4 हफ्ते बचे हैं, इनको रिवीजन में लगा दो, इनको मेहनत कर डालो इसके लिए अच्छे से, सीयूटी के लिए 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपकी सोच से ज्यादा अच्छा आएगा। तभी क्या करने के काम है, फिजिक्स पर फोकस करना है, फिजिक्स में फॉर्मूला फोकस करना है, सीवीटी के पीवाईक्यू पर फोकस करना है। अच्छा जिन लोगों ने बीएचयूएस सीयूए सब चीजों के न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए अब तक, वो अब लगाने की कोशिश ना करें, वो अपना जिन्होंने कर लिया है वो उनको जो उन्होंने लेवल वाइज अलग कर दिया है सीवीटी का वो प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आप बीएचयू के पेपर में जाओगे मान लो एक क्वेश्चन मिल गया वो सीवीटी में नहीं आता, वो सीवीटी के सिलेबस में नहीं ना, तो आप फंस जाओगे उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में, ये सब चीजों में लगे रहोगे, सीयूटी के सिलेबस में भी नहीं ना, और सारी चीजें नहीं है फिर फंस जाओगे। अब दूसरी चीज, सीयूईटी का जो सिलेबस है पूरा का पूरा आईआईटी जैम कॉपी है। अगर आप देखोगे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, मुझे दूसरा सब्जेक्ट का नहीं मालूम, मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में जो सीयूईटी का जो सिलेबस है वो अपना पूरा का पूरा जैम का सिलेबस से मैच कर रहा है, अपना आईआईटी जैम के सिलेबस से पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी मैच कर रहा है। अब डिट्टो कॉपी मैच कर रहा है, जाहिर सी बात है जिस तरीके के आईडीएम में आपने प्रिपरेशन करी थी, न्यूमेरिकल नोट्स आपने बनाए, फॉर्मूला नोट्स बनाए होंगे, न्यूमेरिकल नोट्स बनाए होंगे, वो सब बनाए होंगे, वो सब यहां पर काम आने वाले होंगे, ठीक है। तो यहां पर वो चीज काम आने वाली है। एक सुपर ट्रिक यहां पर क्या है, सीयूईटी का जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जैम के 1 मार्क्स वाले एमसीक्यूज 7-8 भरे रहते हैं हर पेपर में, 7-8 क्वेश्चन। तो आप क्या कर सकते हो, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 into 10, तो ये हो गया लगभग 80। और कुछ 2 नंबर वाले भी जो इजी टाइप के हों वो लगभग मान लो 20-30 होंगे, तो मतलब लगभग 100 एमसीक्यूज आपको इन पेपर से मिल जाएंगे जिनकी आपको आंसर की रट्टा मान लेनी है, ठीक है, उनके लगा लो। अच्छा आंसर की रट्टा मानने से क्या बेनिफिट होगा कि भाई एग्जाम में मिल जाए तो कि निकल पड़ी 5-6 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन तो आंसर की याद कर लोगे, ठीक है, जो कि याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है बट फिर भी कोशिश करना, जो सिंपल हो, सब नहीं एमसीक्यू सिंपल वाले, ठीक, एक काम ये करना। दूसरी चीज, आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मूला लर्न होगा,
जो आपको डेफिनेटली काम आने वाला है। तीसरी चीज फायदा क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन वैसे नहीं आए जैन जैसे, वही डिटो कॉपी ना हो उस जैसा तो आएगा ना, घुमा के आएगा ना। मान लो किसी क्वेश्चन में आज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा है, अगले क्वेश्चन में मान लो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आया 0.4, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 0.6, हो सकता है अगली बार 0.6 पूछ ले, हो सकता है जैम में पूछा गया हो पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेलेरेशन, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है, हो सकता है सिलेंड्रिकल में पूछ ले, स्फेरिकल पूछा गया, सिलेंड्रिकल मिलता जलता तो एक आइडिया तो लग ही जाएगा। अच्छा उसके लिए जैम पे इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बस जितना बताया उतना ही रहना, जैम पे अपना घुसना। सीयूसीईटी के पैटर्न को देखो, ये अपने ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 12-13 वाले क्वेश्चंस को देखो, 14-15 वाले क्वेश्चन को देखो, तो अपने ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो इनके ही जितने ज्यादा से ज्यादा आप आंसर किए और क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, याद करोगे, रट्टा मारोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपनी फॉर्मूला बेस की नॉलेज से, इन पीवाईक्यूज की नॉलेज से, और ये जैम वाली नॉलेज से, और ये कॉन्सेप्ट की नॉलेज से जो आपको हो, और जो जो फॉर्मूला और पीवाईक्यू जो भी अभी तक स्ट्रेटेजी बताई, मेरा मोटा मोटा अनुमान है फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे तकरीबन 75 में 25। फॉर्मूला किसको कहते हैं पहले तो ये समझ लो, तुम लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहने का मतलब है। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब ये नहीं होता है जैसे कि मैं बताऊं, जैसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा टी बराबर कांस्टेंट, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉन्टेन एफेक्ट का ये फॉर्मूला है, तो दिस इज फॉर्मूला ओके, बट देयर आर समथिंग विच इज ऑल्सो द फॉर्मूला, बट यू डोंट अंडरस्टैंड दिस इज द फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला से मतलब क्या, उस मतलब को समझो। एफसीसी का रेसिप्रोकल नेटिस क्या होता है, बीसीसी का रेसिप्रोकल नेटिस क्या होता है, एफसीसी, ये भी फॉर्मूला है। यानी कि जो वन पॉइंट छोटी छोटी बातें हैं, वन पॉइंट नोट जो है, वन लाइन नोट जो है, जो इंपॉर्टेंट बातें उनको भी याद रखो। डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 34%, एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 74%। रट्टा मार लो, समझ पा रहे हो ये फॉर्मूला का मतलब, ये छोटी छोटी बातें। एफसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। बीसीसी का लेटेस्ट पॉइंट हमारा कितना आएगा, एक बीसीसी यूनिट सेल में एक लेटेस्ट पॉइंट, दो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं। ये सब चीजें आप रट्टा मारो, ये छोटी छोटी बातें आप रट्टा मार सकते हो। यही चीज आप जो है वीजी इंटू वीपी क्या होगा, वीजी इंटू वीपी बराबर सी स्क्वायर, सिंपल था, याद कर लो। वीपी हमेशा बड़ा होगा सी से, वीटी हमेशा लेस देन सी होगा, रट्टा मार लो। इस तरीके की चीजें ना जाने कितनी है जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल करने वाली है। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन करता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्री के सोने पे सुहागा टाइप के चीजें हो जाएंगी, फ्री के मार्क्स देकर जाएंगे, उनको भूलना मत। तो मैं क्या कहता हूं, मैं दो तरह से इसको डिवाइड करता हूं, जो मुझको लगता है फॉर्मूला बेस्ड सड़े सड़े चीजें आप कर सकते हो, मतलब इजी टू स्कोर, एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, मैथ्स में जैसे मैट्रिसेस है इजी टू स्कोर है, एलजेब्रा आती है, वेक्टर आती है, वेक्टर इजी है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी, मैं मान के चलता हूं इजी है, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स का एक, हो गया सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक पार्ट हो गया। केटीजी बहुत फ्री का मार्क्स है, स्पेशल गेट के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ना जाने क्या क्या उसमें सिंपल से सड़े सड़े क्वेश्चन वो पूछ रहा है, मतलब शर्म आ रही है यार तुमको, तुम अपने ऊपर शर्म करो, कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, तुम इतना डरे जा रहे हो कंपटीशन में, तब दो कौड़ी क्वेश्चन पूछ रहे हो, शर्म नहीं आ रही है, क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसकी प्रिपरेशन की बात करते हो, ये सब तो मालूम ही होनी चाहिए बेसिक सी बातें। थर्मोडायनेमिक्स अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें मॉडर्न बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, थर्मो हो गया, मॉडर्न हो गया, और जिनके फॉर्मूला रट के आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड उस पर जैसे क्वांटम की मेरी 4 वीडियोस देख लोगे तो क्वांटम के प्रॉब्लम्स करने लग जाओगे सारे, गारंटी। टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है याद कर लो, टेलीग्राम का ग्रुप MUBSHIR मेरा नाम, और आगे लगा दो फिजिक्स, मुबशिर फिजिक्स, एक साथ सर्च कर लेना, इस ग्रुप में जाकर पूछ लेना। क्वांटम की 4 वीडियो देख लो, इन 4 वीडियो देख लोगे क्वांटम की जिम्मेदारी मेरी सारी की सारी 2 घंटे अपनी पड़ जाएंगी, 2 घंटे क्या, 1 घंटे 1.5 घंटे अपनी पड़ जाएंगी, 22-23 मिनट की है, 1 घंटे अपनी पड़ जाएंगी, स्पीड बढ़ा के देख लेना जल्दी जल्दी, इन 4 वीडियो को देख लो तो निपट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वांटम हो गया, STR, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजों पर, एनर्जी मास रिलेशन, सब फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा इसके मुकाबले, इन सबके मुकाबले थोड़ा सा एफर्ट मानना पड़ेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है,
इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे यार डिजिटल को यहां नहीं रखेंगे, डिजिटल को रखेंगे यहाँ, फ्री का मांग भैया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्री का मांग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्री के मांग दिला के जाएगी। डिजिटल आप वहां कर सकते हो फ्री के एकदम मास्टर अट्टा मान लो, बोलिए ले जब रहे सब चीजें नॉर्मल सी हैं, सभी बच्चों को आती है कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ऑसिलेशंस नहीं, डिफिकल्ट है उसको, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, हटाओ वेव्स साउंड ऑन की मतलब वेलोसिटी और हमारा साउंड ऑफ वेव्स कर सकते हो, साउंड ऑफ वेव्स वाले टॉपिक को कवर कर सकते हो आप लोग। ओपन पाइप एंड ऑर्गन क्लोज पाइप वाला चीजें कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1:3:5 और वो सब चीजें कर सकते हो। ये हो गया ऑप्टिक्स में। हाँ ऑप्टिक्स नो डाउट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 7-8% मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अब ऑप्टिक्स में हमारा लेंस वाला फॉर्मूला कर लेना, उसके बाद यंग डबल स्लिट का बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी वाला कर लेना, उसके बाद ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मेलस कर लो। पोलराइजेशन इलेप्टिकली है ऑप्टिकली है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है सब चीजें, ये सब कर सकते हो। तो इस हिसाब से करो तो कर ले जाओगे। अभी मैंने एक टॉपिक इसमें जिक्र नहीं किया है ईएमटी का, तो ईएमटी को इधर ही रखो, ईएमटी को इधर ही रखो। हाँ ईएमटी में ये है कि फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप उनको रट्टा मार लोगे तो अच्छा कर लोगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो फॉर्मूला बेस्ड में, और इनको करके भी आप मतलब इनको भी छोड़ना नहीं है, ये नहीं सिर्फ इन पर ध्यान दे रहे, इन पर नहीं, इनको भी करना है, इनके फॉर्मूला पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इनके कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, इस पर ध्यान देना। ये एकदम डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें थोड़े से फॉर्मूला लगा के अप्लाई करने वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये हमारा सीन है, और कुछ बातें हो सकता रहेगा, टेलीग्राम का ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ये वाला जो बताया टेलीग्राम उसका भी दे दूंगा, और सीयूटी गाइडेंस वाले ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, वो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा पता नहीं कोई बात रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मुझे नहीं लगता मैंने अब कोई बात कह कमी रह गई है। अगर जो जिसने पूरी वीडियो देखी होगी वो कम से कम समझ जाएगा अभी 4 हफ्तों में करना क्या है। अब मैंने बहुत कुछ कह दिया, मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूं, बहुत तेज बोल रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, अब मेरी एनर्जी पस्त बढ़ गई है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कोई क्वेरी हो मुझको जो है टेलीग्राम में मैसेज करना है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मुझको मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा कोई क्वेरी हो। और ठीक है भाई, बाकी कुछ होगा कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ पूरी जल्द से जल्द। ठीक है, एंड करते हैं हम लोग इस वीडियो को, और मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी मैं डालते रहता हूँ इस चैनल पे, तो वो भी अगर देख लोगे तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो खैर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।